सुभ्रंग सुंदर पहली बार थाईलैंड में किसी लड़की से बात करने जा रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ लोग अपने मन की बात लिख के जाते हैं। मैंने भी सोचा कुछ लिख के जाऊँ, लेकिन मुझे एक भी पत्ता खाली नहीं मिला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चश्मा पहनते भाई, दोनों ने चश्मा पहना है। हमने सोचा था कि चाचा जी अच्छे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा चाचा निकला। तेरे पास कोई और रास्ता है? हम लोग शायद पहुंच नहीं पाएंगे, शायद नहीं, हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। मजाक करने का समय नहीं है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। एक और नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने देखा बैंकॉक का पार्टी, पटाया का पार्टी और वॉकिंग स्ट्रीट, खाओसन स्ट्रीट, ये सब मैंने दिखाया। लेकिन घर में तो कुछ बोलना पड़ेगा क्या देखा बैंकॉक में, पार्टीज तो नहीं दिखा सकता। हम लोग जहाँ पे है वहाँ से लाइक 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 मिनट में ही पहुँच गए। हम लोग तो इतना दिन यहाँ पे पार्टीज किया, वॉकिंग स्ट्रीट में घूमा और मसाज करवाया, सब कुछ करवाया, फिर लास्ट में बुद्धा टेम्पल आने का क्या मतलब है? ये तो पार्टी पार्टियों का शहर है ना। हाँ। हम लोगों ने आके बहुत सारे पाप किया, अभी वो पुण्य करने आए। इस लेडी को यहाँ पे फोटो खींचना था, लेकिन इस लेडी को शॉर्ट्स पहने फोटो लेते हुए देख के ये आदमी आया और इनको फोटो खींचने से मना कर रहे हैं। ये लेडी कह दी है कि क्या आप पुलिस है? तो यहाँ आप लोगों ने देखा, अगर आप लोग आ रहे हो तो फोटो अगर खींच रहे हो तो जो पैंट पहनोगे वो घुटने के नीचे होना चाहिए। घुटने के ऊपर अगर पैंट पहनोगे तो यहाँ पे आप लोग घुस नहीं सकते या फिर फोटो खींच नहीं सकते। जैसे वो दो फॉरेनर लेडी यहाँ पे आई है, उन लोगों को फोटो खींचने के लिए मना कर रहे हैं। हर एक ट्रेडिशन का हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसा रूल्स है उस हिसाब से चलना चाहिए। हाफ पैंट पहन के आप लोग किसी भी टेम्पल में नहीं जा सकते। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये बुद्धा टेम्पल है, देख रहे हो, ये है ड्रैगन, ये देखो ये है ड्रैगन। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के चले आते हो तो आपको ऐसा एक कपड़ा पहनना पड़ेगा। जय सामने देख रहे हो, ये लेडीज़ लोग शॉर्ट्स पहन के आए थे, लेकिन यहाँ आके इन लोगों को ये नीचे जो कपड़ा पहन लिया ताकि घुटने के नीचे तक रहे, ऐसा करना पड़ेगा अगर गलती से शॉर्ट्स पहन के आ गए तो। बुद्धा जी के सामने यहाँ पे कुछ कुछ स्टैंड है और इसका बगल में ऐसे बेम्बो में पत्ता का छोटा छोटा स्टैंड है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये जो पैसा है ये इसके अंदर डालना है, ये डाल दिया, डाल के इसे कहीं पे लगाना है, ठीक है। तो लगाने से पहले मन्नत मांगना है, उसके बाद लगाना है। यहाँ एक पेड़ है, देखो यह सचमुच का नहीं है, आर्टिफिशियल पेड़ है। यहाँ लोग अपने मन की बात लिख के जाते हैं। मैंने भी सोचा कुछ लिख के जाऊँ, लेकिन मुझे एक भी पत्ता खाली नहीं मिला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा बिग बुद्धा टेम्पल, सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आ सकते हो। अभी यहाँ से चाहते हैं हॉस्टल, आज हम लोग यहाँ से एक्चुअली क्रैबी जाएंगे। सुभ्रंग सुंदर पहली बार थाईलैंड में किसी लड़की से बात करने जा रहा है। से ना हो पाएगा। Are you from Pattaya? I have been living here for a long time. From Philippines? Many years. No. But I'm not from Pattaya. But I live in Pattaya for many years. Okay. तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तो हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल, अभी यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे और अभी यहाँ से जाएंगे पटाया बस टर्मिनल पे, वहाँ से बैंकॉक के लिए बस पकड़ेंगे। हम लोग बैंकॉक से आज क्रैबी जाएंगे। रात को प्लान इसलिए किया क्योंकि रात को कोई होटल बुक नहीं करना पड़ेगा, हम लोग बस मिस हो जाएंगे। अभी 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बज रहा है, 2 घंटा लग जाएगा, 3-4 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे बैंकॉक। ये है पटाया बस टर्मिनल, हम लोग अभी वेटिंग एरिया में बैठे हैं। अभी 2 बज रहा है और 2:20 को बस है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। बस एकदम एग्जैक्ट टाइम पे है, बस का टाइम हो चुका है, हम लोग अभी इस बस में चलेंगे। 2:30 घंटे में आई गेस पहुंच जाएंगे बैंकॉक।
चश्मा पहनते भाई, दोनों ने चश्मा पहना है। ये दोनों हर बार इतने जल्दी कैसे सो जाते हैं, वो भी बस में। बस से उतर के हम लोगों ने अभी एक टैक्सी कर लिया है, ग्रैब करके हम लोग अभी जाएंगे दूसरे एक बस स्टैंड पे, साउदर्न बैंकॉक साउदर्न बस टर्मिनल पे, वहाँ से कैरबी के लिए बस छोड़ेगी। कल अमिता ने बुक कर लिया था, पर रेट 700 भाग करके लगा था, मतलब 1400-1500 रुपए करके। एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग का बस है 6:30 को, 6:40 को हम लोग का बस है, तो एक घंटे के अंदर पहुँचना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है कि 6:21 पे पहुँचेंगे, अगर 10-15 मिनट भी लेट हो गया तो हम लोग बस मिस कर जाएंगे। इवनिंग का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा रश है, ट्रैफिक जाम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि कब तक पहुँच पाएंगे। जैम भी जैम है, पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा पहुँचेंगे। नहीं नहीं, बी पॉजिटिव, पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे। हम लोग शायद पहुंच नहीं पाएंगे, शायद नहीं, हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो 700 बार गया हमारा, बात यह कि ट्रैफिक तो है ही, लेकिन हमारा जो चाचा जी है इन्होंने थोड़ा बहुत सारा शॉर्टकट ले लिया, और मतलब सारा शॉर्टकट गलत निकला। हमने सोचा था कि चाचा जी अच्छे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा चाचा निकला। मेरे पास कोई और रास्ता है, हम लोग को जल्दी पहुँचाने का चक्कर में इतना शॉर्टकट लिया। गूगल बोल रहे कि उधर से नहीं, दूसरा साइड से जाओ, फिर भी चाचा जी दूसरा गूगल का नहीं सुने, तो अभी पता नहीं, देखते क्या होगा। बस स्टैंड पहुंच गए, पता नहीं बस है कि नहीं, हम लोग 20-25 मिनट लेट है। क्या रूल है पता नहीं, लेकिन बस बोल रहे 7-10 बजे, और कुछ नहीं पूछेंगे हम लोग। बस जाएंगे, बस पूछ लो। हाँ वो पूछेंगे, बस सीट नंबर से पूछेंगे। हाँ सीट नंबर वगैरह होगा, पैसा मांगते फिर भी दे देंगे। बस चाहिए आज, बस मेरा सब प्लान चौपट हो जाएगा नहीं तो। 710 प्लेटफॉर्म नंबर 69-71 सीट नंबर 32 ओके, वेयर डाउन दैट साइड, ओके थैंक यू, स्वादी खा। टिकट मिल गया भाई, टिकट मिल गया भाई, अभी 8 हो रहा है, चलो मजाक करने का समय नहीं हमारा। 10 में पहले चढ़ जाते हैं, उसको देखते हाँ นั่ง60 42 43 47 मिल गया भाई, मिल गया। क्रैबी सर, क्रैबी दिस 2 & 1 बैग। हम लोगों ने जिस एक्चुअली ट्रैवल एजेंट से बस का टिकट लिया था, शायद उसी ट्रैवल एजेंट का ये बस है, तो हम लोगों का जो पहला बस था वो चला गया था, तो इस बस में हम लोगों का टिकट एडजस्ट कर दिया है ऐसा ही लगता है मुझे, क्योंकि उसमें शायद स्लीपर था, इसमें शायद ये भी स्लीपर है, लेकिन चेयर का स्लीपर है। तो जो भी हो, मतलब हम लोग को क्रैबी के लिए टिकट मिल गया, ये सबसे बड़ा बात है। तो वी आर गोइंग टू क्रैबी नाउ। शायद तुमने देखा नहीं है, नोटिस नहीं किया, यहाँ पे पानी और जूस भी है। इधर इधर पानी, ये पानी है, ये कुछ जूस है, और ये बिस्किट टाइप का कुछ है, चॉकलेट। हाँ चॉकलेट या बिस्किट कुछ है। तो ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री ये है, और उसके साथ ये चद्दर भी है। सबसे ज़्यादा टेंशन में था ये, क्योंकि मैंने पूरा प्लान ऐसे ही बनाया है, कल का प्लान मिस हो जाता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। 500-600 भाग में तो सोचते थे, 1500 रुपये करके तीनों लोगों का करीब 5000 चला जाता है एक मिस होने से। हम लोग को इतना भूख लगा है कि बोल पूछो मत, कंडक्टर भी बोल कर गया कि 10:45 को बस रोकेगी,
फिर हम लोग खाने के लिए उधर सकते हैं, सब लोग सो रहे हैं एक्चुअली। चलो, लेकिन अभी रुकने से भी टेंशन है कि हम लोगों का खाने लायक कुछ मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे खाने लायक कुछ होगा कि नहीं, वो एक टेंशन है, क्योंकि हर रेस्टोरेंट पर हम लोग तो खा नहीं सकते, पैसा का बर्बाद ही होता है। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि कोई डोमिनोज स्टोर में रुक जाए, 7-Eleven स्टोर भी सब मिल जाए तो ठीक है, मैगी खा लेंगे, नहीं तो ब्रेड खा लेंगे, बिस्किट खा लेंगे। हम लोग अमिता ने मतलब मोबाइल में ट्रांसलेटर में लिखा है कि ये बस कब रुकेगा खाने के लिए, वो ट्रांसलेट करके इन लोगों को दिखाया कि हम लोग ये पूछना चाहते हैं, फिर बोला कि नहीं वो 10:45 को रुकेगा ऐसा बोला है। कर सकते ना छोटा मोटा एक लाइन के लिए ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते, इतना सारा बात नहीं पूछ सकते। अभी ट्रांसलेट आके क्या आएगा वो भी समझ में नहीं आया, सच में हम जो बोल रहे हैं वही ट्रांसलेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है क्या पता है। ये तो खाने खाने का नहीं है, ये तो भोजनालय लिखा है। क्या लिखा है? भोजनालय। बोला कि खाना आ गया, मुझे समझ में आ गया। नहीं है, अब क्या खाएंगे पता नहीं, क्या करना पड़ेगा फिर से। लेकिन भाई एटलीस्ट खाना खाने के लिए रुका, वो बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात है। हाँ, एक स्टोर है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा भाई हमारे लायक। सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले करके आते हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं। ये वॉशरूम है और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंजॉय मोड। कुछ खाना है, चावल फल खा लेते हैं। ये क्या है देखो, इधर सुनो क्या है भाई। नहीं नहीं, जो भी है खा नहीं पाएंगे। चावल है तो चावल सब क्या क्या खाओगे? बस चावल जो है वही पहचानने आ रहा है, स्मेल आ रहा है, एक बैम्बू सूट का स्मेल आ रहा है। सब भी वेज नॉन वेज होता है भाई। चलो नूडल्स मिला हम लोगों को, रेडी टू ईट, बस गर्म पानी डालना और पी लेना है। और ये भी मतलब वेज नहीं है, ये प्रॉन है, प्रॉन में खाता हूँ तो ये सब खा सकते हैं हम लोग, तो तीनों ही प्रॉन ले रहे हैं हम लोग। एक्चुअली इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, और ऑप्शन नहीं है। सुबह हो चुका है, हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं क्रैबी। बस के जाने तो अच्छा ही था, लेकिन अभी बारिश हो रही है यहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत है, क्या होगा प्लान में कुछ पता नहीं चल रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे यही लग रहा है अगर बारिश होगा तो बोट पट्टी नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ, तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आगे वीडियो देखते रहो, क्रैबी में धमाल करेंगे हम लोग।